हेलो एवरीवन, आरएचएल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे एनएफएस क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पिछले वीडियो हमने सीखा था एनएफएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इस वीडियो में सीखेंगे एनएफएस क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले लैब चेक कर लेते हैं। हमने जो सर्वर को जो आई पी एड्रेस साइन किया था वो था 172.18.209.9 और क्लाइंट का आई पी एड्रेस है 172.18.209.10। तो ये हमारा क्लाइंट का आई पी एड्रेस है। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं क्लाइंट पर। सबसे पहले जब भी आपको एनएफएस क्लाइंट कॉन्फिगर करना हो तो सबसे पहले उसका एनआईसी चेक कर लीजिए कि उसका जो लैन कार्ड है या इंटरनेट इंटरफेस वो प्रॉपर कॉन्फिगर है या नहीं। तो उसके लिए कमांड है कॉन्फिग ETH 0। तो चलिए हमारा जो क्लाइंट का जो इंटरफेस है वो प्रॉपर कॉन्फिगर है हमारे लैब के अकॉर्डिंग। तो ये चेक करने के बाद में फिर चेक कीजिए कि एनएफएस सर्वर आपका जो एनएफएस क्लाइंट है वो सर्वर से कनेक्ट है या नहीं। तो एनएफएस सर्वर और एनएफएस क्लाइंट के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं ये वो आपको चेक करनी है। तो चेक करने के लिए कमांड है पिंग, फिर आपको एनएफएस सर्वर का आईपी एड्रेस लिखना है, फिर एंटर। तो चलिए कनेक्टिविटी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एनएफएस के पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो पहले चेक कर लीजिए कि एनएफएस के पैकेज इसमें इंस्टॉल है या नहीं। तो RPM -QA NFS -Utils start। तो अभी कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आपको पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं NFS yum install NFS -Utils NFS -Utils -lib। ये दोनों पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं। चलिए पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, वापस चेक कर लीजिए कमांड से। तो देखिए अब क्यों इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एनएफएस सर्वर पे क्या माउंट है, क्या क्या माउंट है ये आपको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए कमांड है सो माउंट -E फिर एनएफएस सर्वर का आपको आईपी एड्रेस लिखना है। तो देखिए बता रहा है कि एनएफएस सर्वर पे क्या क्या माउंट है, सॉरी क्या क्या शेयर है। तो उस पर एनएफएस सर्वर पे एक शेयर है जिसका नेम है /NFS शेयर और उसमें जो प्रिविलेज मिला है किस क्लाइंट को मिला है जिसका आई पी एड्रेस 10 है। तो चलिए इसको हम हमारे 20 PC में माउंट करते हैं इसको। तो माउंट करने के लिए आपके पास कमांड है, आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना है माउंट -T फिर NFS फिर NFS सर्वर का आई पी एड्रेस फिर कॉलन /NFS शेयर और कहाँ पे आपको माउंट करना है वो आपको लिखना है डेस्टिनेशन। तो अभी हम टेम्परेरी MNT में माउंट करवा रहे हैं। फिर माउंटिंग पॉइंट की एंट्री हुई या नहीं ये आपको चेक करना हो तो उसके लिए कमांड है माउंट फिर पाइप फिर ग्रेप NFS। तो आपको बताएगा कि ये एंट्री क्रिएट हो चुकी है। और इसके अलावा एक और कमांड है df -h, तो ये भी आपको बता देगा कि माउंट पॉइंट की एंट्री क्रिएट हुई या नहीं। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं माउंट पॉइंट की एंट्री, या तो माउंट ग्रेप NFS पाइप ग्रेप NFS और या फिर df -h, ये कमांड आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में cd/MNT, यहाँ पर कोई पहले चेक कर लीजिए इसमें क्या क्या कंटेंट है, अभी कोई कंटेंट नहीं है इसमें। चलिए हम यहाँ से एक फाइल क्रिएट करते हैं टच माई फाइल और अब NFS सर्वर पर जाके चेक कीजिए कि ये फाइल वहाँ पर क्रिएट हुई या नहीं। अगर आपका NFS सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो NFS सर्वर पे जो भी आपने शेयर किया है उसमें ये फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। तो cd/NFS तो देखिए यहाँ पे वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसी तरह कोई डायरेक्टली क्रिएट करके देखिए NFS क्लाइंट से। चलिए NFS सर्वर पे वापस कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर माई डायरेक्टरी बता रहा है कि यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट आप ls-l कमांड लगाइए तो आपको डिटेल बता देगा कि इस डायरेक्टरी में क्या क्या कंटेंट है। उसके बाद में अभी जो हमने एंट्री की है वो टेम्परेरी एंट्री, कौन सी एंट्री टेम्परेरी, एंड जैसे आप मशीन को रिबूट करोगे ये एंट्री रिमूव हो जाएगी। तो चलिए एक बार रिबूट करके देखते हैं कि रिबूट होने के बाद में एंट्री रहती या नहीं। तो रिबूट करके देख लेते हैं, जब तक मशीन रिबूट हो रहा है तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं।
चलिए हमारी मशीन रिबूट हो चुकी है। अब चेक कीजिए वो एंट्री है या नहीं। तो डी एफ हाइफन एच, देखिए वो एंट्री नहीं है, यानी ये जो एंट्री पिछली जो हमने एंट्री की थी वो टेम्परेरी एंट्री थी, यानी जैसे आप मशीन को रिबूट करोगे वो एंट्री रिमूव हो जाएगी। यानी अब आपको ये करना है कि परमानेंट एंट्री करनी, यानी अगर मशीन रिबूट हो फिर भी वो एंट्री रहे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल होती है /etc/etc/fstab। जब भी आपको कोई माउंट पॉइंट की परमानेंट एंट्री करनी हो तो आपको क्या करना है, /etc/fstab फाइल यूज करनी है, ठीक है, और उसमें एंट्री करनी है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। /pm/etc/fstab, तो यहाँ पर आपको क्या क्या एंट्री करनी है वो देख लीजिए, ये एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। तो हम चेक कर लेते हैं, उससे पहले हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं NFS सर्वर के लिए। NFS का जो भी शेयर है उसको हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और उसमें हम माउंट करवाएंगे, यानी माई NFS, ठीक है। अब जो भी हम NFS शेयर यहाँ पे माउंट कराएंगे वो हम कहाँ पे एक्सेस करेंगे, माई NFS के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है NFS सर्वर का IP एड्रेस, फिर कॉलन और NFS शेयर का नाम, फिर टैब प्रेस करके आपको कहाँ पे आपको माउंट करना है इस मशीन में, यानी क्लाइंट पर आपको कहाँ पे माउंट करना उस डायरेक्टरी का आपको नेम लिखना है। जैसे हमने पिछली बार यूज किया था MNT, तो अभी हमने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट की है और उसमें हम माउंट करवाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे MyNFS। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, NFS फिर डिफॉल्ट 00, तो NFS फिर डिफॉल्ट 0/0, फिर इस फाइल को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में अब चेक कीजिए उस फाइल की एंट्री को अपडेट करने के लिए, यानी माउंट पॉइंट की जो एंट्री होती है उसे अपडेट करने के लिए कमांड होता है mount-a। अब चेक कीजिए df-h, तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आप उसको एक्सेस कीजिए cd/my-nfs-l, तो देखिए NFS सर्वर जो भी शेयर था हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है, ठीक है। अब मशीन को रिबूट करके देखिए कि रिबूट होने के बाद में अब एंट्री रहती या नहीं। तो रिबूट करते हैं, जब तक ये मशीन रिबूट हो रहा है तब तक हम इस मशीन को इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए हमारा मशीन रिबूट हो चुका है, लॉगिन कीजिए। चेक कर लीजिए एंट्री है या नहीं। तो df-n, देखिए रिबूट करने के बाद में वो एंट्री है, यानी आपको बार बार ये कमांड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो cd/my-nfs-n, तो देखिए वो एंट्री अभी भी है। इस तरह आप टेम्परेरी माउंट कैसे करते हैं, परमानेंट माउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, ये इस वीडियो हमने सीखा। NFS क्लाइंट को कैसे कॉन्फिगर करते हैं, कैसे NFS शेयर को NFS क्लाइंट पर एक्सेस करते हैं, ये सब इस वीडियो में हमने सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।